नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स टू योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको क्रिएटिव फैशन के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक नहीं किया तो यहाँ दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर आपको क्लिक करना है और साथ ही में यहाँ दिखाए गए बेल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम बेल्ट ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। पूरे बारीकी के साथ मैंने ये बताया है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपके बेल्ट ब्लाउज के बारे में जो कुछ भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मेथड सभी मेजरमेंट्स के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 44 फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ये कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट्स देखेंगे। तो मेजरमेंट्स हमारे इस प्रकार हैं। चेस्ट है हमारी 42 इंच, फुल बस्ट है 44 इंच, वेस्ट है 36 इंच, लेंथ यानी लंबाई है हमारी 15.5 इंच, एपिक्स पॉइंट हमारा यानी टक्स पॉइंट हमारा आता है 11.5 इंच पर, आगे का गला है हमारा 7.5 इंच पर, पीछे का गला है 9.5 इंच पर, शोल्डर है हमारा 5.5 इंच और आर्महोल है हमारा 5.5 इंच, आर्महोल राउंड है हमारा 18 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये आर्म होल का मेजरमेंट 5.5 इंच लिया है और स्लीव बाइसेप्स यानी स्लीव की विड्थ जो हमें लेनी है वो लेनी है हमें 8.5 इंच पर। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को यानी अपने ब्लाउज पीस को फोल्ड करके लिया है और ये जो फोल्ड मैंने डाला है ये मैंने डाला है 12.5 इंच पर यानी 12.5 इंच पर। उसके बाद हम सबसे पहले लंबाई का मेजरमेंट डालेंगे। लेंथ हमारी 15.5 इंच तैयार है, उसमें आधा इंच ऐड करेंगे और 16 इंच पर यानी 16 इंच पर मार्किंग करेंगे। आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब जहां पर हमारा मार्क आया है वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी, ये 16 इंच होगा। अब लेते हैं हम शोल्डर का मेजरमेंट। तो डीप नेक है हमारा बैक में, पीछे का गला डीप है तो इसलिए हमने शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। आर्महोल का मेजरमेंट भी हमारा 5.5 इंच ही आएगा। अगर आपका आर्महोल राउंड 18 इंच से यानी 18 इंच से ज़्यादा है तो आप 5.5 इंच या 6 इंच भी ले सकते हो। अब लेते हैं चेस्ट का मेजरमेंट। आपके जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 1/4 करना है यानी कि चौथा हिस्सा करेंगे चेस्ट का। चेस्ट है 42 इंच यानी 42 इंच, उसका 1/4 होता है यानी चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच। उसमें 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे यानी 1/4 इंच लूजिंग ऐड करके 10.5 इंच यानी 10.75 इंच पर मार्किंग किया और ये लाइन बना दी। यहां पर वेस्ट का 1/4 करेंगे तो वो हो जाता है 9 इंच, उसमें 1.25 इंच यानी 1/4 इंच ऐड करेंगे और 10.5 इंच पर मैंने यहां पर मार्किंग किया। अब ये लाइन हम ऊपर की तरफ ज्वाइंट करेंगे। हमने कमर का चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1/4 इंच ऐड करके मार्किंग किया है। बाहर की तरफ आप 2 इंच सीम अलाउंस यानी सिलाई मार्जिन 2 इंच रखिएगा और मार्किंग कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई यानी नेक विड्थ रखेंगे 2 इंच, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो। बैक का नेक यानी पीछे का गला हमारा 9.5 इंच है तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच यानी 9.5 इंच पर मार्किंग किया। नेक की विड्थ यानी गले की चौड़ाई नीचे की तरफ 3 इंच रखी है और ऊपर की तरफ इसको जॉइंट कर देंगे, नेक का शेप दे देंगे। आप मनचाहा शेप दे सकते हो। यहां पर यहां से यहां देखना है कितना है, उसका सेंटर निकालेंगे, मार्क कर देंगे, 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, ऊपर की तरफ ये लाइन जॉइंट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये हो गया हमारा पीछे का आर्म होल। अब ये पीछे का पार्ट रेडी हो चुका है, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके ऊपर हम बैक डार्ट के मार्किंग करेंगे। अब कमर की ओर यानी वेस्ट की ओर हमें यहाँ से हमारे स्टिचिंग लाइन तक नापना है, उसका सेंटर निकालेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया डार्ट पॉइंट। अब इसकी विड्थ यानी हमारे डार्ट की चौड़ाई 0.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारा वेस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंस 8 इंच से ज़्यादा है इसीलिए। अब ऊपर की तरफ 4.5 इंच यानी 4.5 इंच तक इसकी लंबाई रखेंगे डार्ट की और इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया हमारा पीछे का डार्ट।
अब इसको खोल देंगे और इस साइड में इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हल्के हाथ से थपथपाएंगे तो ये इस और निशान बन जाते हैं। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। अब ये बैक का पार्ट रेडी हो चुका है, इसको साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल कपड़ा बिछा दिया है, इसके ऊपर रखेंगे हमारा बैक का पैटर्न, अच्छे से रख देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो बैक पैटर्न है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा 3 इंच लेना है, यानी 3 इंच ज़्यादा लेंगे और मार्किंग करेंगे फ्रंट के लिए। ये सिंगल कपड़ा है, नीचे की तरफ जहाँ पर मार्किंग किया है वहाँ पर आप इस तरह से पट्टी को यानी स्केल को रख दीजिएगा। कपड़े को अच्छे से इस तरह से फोल्ड करना है, स्केल को निकाल देंगे और ये फोल्ड हमारा अच्छे से सीधा आ चुका है। इसको आगे की तरफ मैंने रख दिया, कपड़े को मैंने अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया। इस और हमें आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करके एक लाइन बनानी है। ये लाइन हमारी हुक और आई की पट्टी के लिए होगी। इसके ऊपर मैंने बैक का पैटर्न रख दिया है। अब यहाँ पर बैक का पैटर्न अच्छे से रख देने के बाद सबसे पहले हम आगे का गला नापेंगे, जो कि हमारा 7.5 इंच यानी 7.5 इंच पर है। वहाँ पर मार्किंग कर दिया और राउंड शेप देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे, इस और भी आर्म होल का मार्किंग करेंगे, बस इतना ही करना है। अब जो चेस्ट होगा हमारा फ्रंट का वो आधा इंच एक्स्ट्रा होगा बैक से, जहाँ पर जितना हमारा बैक का पैटर्न है उससे 1/2 इंच यानी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट की ओर। और नीचे की तरफ भी लंबाई में हमें बैक से ज़्यादा 2.25 इंच यानी 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की तरफ मार्किंग करना है। तो लंबाई में हमने फ्रंट का पार्ट 2.25 इंच यानी 2.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जहाँ पर मार्किंग आया है वहाँ पर हम लाइन बना देंगे। अब बैक को पैटर्न को निकाल देंगे। निकालने के बाद सबसे पहले हमें आर्म होल बनाना है, तो सबसे पहले आर्म होल के लाइंस बना देंगे। और अब हम यहाँ पर 0.75 इंच यानी 0.5 इंच तिरछा लेंगे और आगे का मुंडे का आकार यानी फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। और अब हम यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन का और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब कुछ कैलकुलेशन है, फ्रंट विड्थ निकालनी है। तो फ्रंट विड्थ का मेजरमेंट निकालने के लिए बैक का पैटर्न लेना है। यहाँ पर हमारे डार्ट का मार्किंग आया है बैक का, उसके ऊपर बराबर से इस तरह से टेप को रख देंगे हमारे फिटिंग के स्टिच की तरफ और देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर हमारी बैक विड्थ आई है 10.5 इंच यानी 10.5 इंच। अब बैक विड्थ 10.5 इंच है, उसका डबल करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 21 इंच। फ्रंट विड्थ निकालनी है हमें, तो फ्रंट विड्थ निकालने के लिए हमारा जो फुल बस्ट है 44 इंच, उसमें से हमें बैक विड्थ यानी 21 इंच कम करना है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 23 इंच। अब फ्रंट विड्थ आई है हमारी 23 इंच, उसमें 1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 24 इंच हो जाता है। अब हम फ्रंट विड्थ का मार्किंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम हमारे एपेक्स पॉइंट यानी टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पर यानी 11.5 इंच पर। अब इस पॉइंट के ऊपर हम हमारी फ्रंट विड्थ का मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट विड्थ हमारी आई है 24 इंच यानी 24 इंच, उसका हाफ करना है क्योंकि हम यहाँ पर हाफ ही एक साइड का ही पैटर्न निकाल रहे हैं, तो 12 इंच होता है उसका हाफ यानी 12 इंच। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें इस तरह से स्केल के ऊपर रखने हैं और हमें सीधी लाइन नीचे की तरफ बना देनी है। दोनों पॉइंट हमारे स्केल के ऊपर आने चाहिए। अब यहाँ पर हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। बेल्ट जो हमारा है वो रेडी है 3 इंच, प्लस उसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे और 3.5 इंच पर यानी 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया सिलाई मार्जिन के साथ। 3.5 इंच पर मैंने बेल्ट का मार्किंग किया और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 10 करना है और मार्किंग करना है। तो फुल बस्ट है हमारा 44 इंच, उसका 10वां हिस्सा आता है 4.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग किया। ये हमारे एपिक्स पॉइंट का फिक्स पॉइंट होगा और नीचे की तरफ लाइन बना देंगे। ये हमने सेंटर डार्ट बना दिया है यहाँ पर। अब इसकी विड्थ यानी सेंटर डार्ट की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे वेस्ट का 4वां हिस्सा यानी वेस्ट का 1/4 करना है, वो होता है 9 इंच यानी 9 इंच। वहां पर मार्किंग करेंगे।
अब उस मार्किंग से हमें टेप को रखना है आगे की लाइन की तरफ। टेप को फोल्ड करेंगे इस तरह से सेंटर में वहाँ तक, और जितना भी आता है उसको उठाएंगे और हमारे सेंटर डार्ट के साइड में रखेंगे और वहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हो गई हमारी सेंटर डार्ट की विड्थ। दोनों साइड में रखेंगे और दोनों साइड में मार्किंग करेंगे। इस प्रकार हमें सेंटर डार्ट की विड्थ मिल गई। अब ये ऊपर की तरफ हम जॉइंट करेंगे। ये हो गया सेंटर डार्ट। अब लेंगे डार्ट डिस्टेंस। तो डार्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पर 1.75 इंच यानी पौने 2 इंच आएगा, क्योंकि हमारी फुल बस्ट है 44 इंच। ये फुल बस्ट के अकॉर्डिंग कितना लेना होता है इसका चार्ट मैंने पहले के बेल्ट ब्लाउज के कटिंग के वीडियो में दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस और हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ लेना है और मार्किंग करना है। यहाँ से डार्ट डिस्टेंस हमारा पौने 2 इंच ही होगा यानी 1.75 इंच लेना है, और यहाँ से यहाँ इस डार्ट की लाइन खींच देंगे। अब इस डार्ट की विड्थ भी हमारी क्वार्टर क्वार्टर इंच दोनों साइड में होगी यानी हाफ इंच पूरी, और इस डार्ट की भी हाफ इंच होगी यानी क्वार्टर क्वार्टर इंच दोनों साइड में। अब देखो यहाँ से यहाँ जितना है उसका सेंटर निकाल दीजिएगा। यहाँ से यहाँ पौने 2 इंच है उसका सेंटर निकाला। अब ये पौने 2 इंच है तो इस और हम 2 इंच लेंगे यानी 2 इंच रखेंगे, क्वार्टर इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हमारे डार्ट डिस्टेंस से। अब जो पॉइंट लगाया है उसकी आर्म होल की तरफ इस तरह से तिरछा डार्ट बनाएंगे, और इसकी विड्थ भी हम क्वार्टर क्वार्टर इंच दोनों साइड में रखेंगे यानी पूरी डार्ट विड्थ हाफ इंच होगी। ये जो हाफ इंच है ये हमने इस और ऐड किया था, आपको याद होगा हमने फ्रंट का हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था तो इसलिए लिया था। अब हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि हमें योग पट्टी का शेप देना है, बेल्ट का शेप देना है। 1 इंच ऊपर की तरफ लिया और इस तरह से शेप दिया। अब बाहर की ओर 2 इंच सिलाई मार्जिन का हम मार्किंग करेंगे और लाइन बना देंगे। अब हम इसका कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है और ये फोल्ड भी हमने कट कर दिया। अब जो ये नीचे का बेल्ट है उसको साइड में रखेंगे, और यहाँ पर हम नीचे से 1 इंच ऊपर यानी 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मार्किंग करेंगे। इस साइड में भी हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और मार्किंग करना है। ये आपके डार्ट को भी टच हो सकता है मार्किंग, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर मार्किंग कर दीजिएगा। और मार्किंग करने के बाद इस तरह से आपको तिरछी लाइन दोनों साइड में बनाने हैं। अब जो तिरछी लाइन बनाए हैं उसके ऊपर से आपको कट लगाना है और नीचे का पार्ट निकाल देना है। ये हमने कर दिया। अब ये जो डार्ट है इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से खींच देंगे। अब ये फ्रंट का पार्ट रेडी है। इस साइड में फोल्ड है तो फोल्ड को कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने डबल लेयर कपड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने ये योग पट्टी यानी बेल्ट रख दिया है, क्योंकि बेल्ट के हमें 4 पार्ट की ज़रूरत होगी। ये हो गए हमारे 4 पार्ट बेल्ट के। अब करेंगे स्लीव का कटिंग। स्लीव के कटिंग के लिए 4 लेयर में मैंने कपड़ा लिया है। इसके ऊपर हम स्लीव बाइसेप्स प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके होता है 10.5 इंच। 8.5 इंच स्लीव बाइसेप्स है प्लस उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया और 10.5 इंच पर हमने ये फोल्ड किया है। लंबाई में ये हमें जितनी लंबाई है उसमें 1.5 इंच ऐड करके मार्किंग करना है। लंबाई हमारे 5 इंच है उसमें 1.5 इंच यानी 1.5 इंच ऐड करके 6.5 इंच पर मैंने मार्किंग किया और ये लाइन बना दी। यहाँ पर कैप हाइट होंगी हमारी 3.75 इंच यानी 4.25 इंच। 2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन का। अब यहां से ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बनाएंगे और हमारे
स्लीव का शेप देंगे, बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल दोनों का। तो ये हमारा हो चुका है किस तरह से देना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डिटेल्स के साथ, अगर देखना है स्लीव का कटिंग। ये हमारा तिरछा 9 इंच होगा क्योंकि हमारा आर्म होल राउंड जो है वो 18 इंच है, उसका हाफ होता है 9 इंच। नीचे की तरफ जितना स्लीव राउंड है वहाँ पर मार्किंग कीजिएगा और इस तरह से तिरछी लाइन बना दीजिएगा। बाहर की तरफ 2 इंच सिलाई मार्जिन का पॉइंट लगाएंगे और बाहर की लाइन बनाएंगे। अब ये स्लीव का कटिंग हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसको खोल देके फ्रंट के आर्म होल का कटिंग करेंगे। अब आते हैं सिलाई की ओर यानी स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले लिया है बैक का पार्ट, डार्ट को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। एक डार्ट हो चुका, सेम इसी तरह से दूसरा डार्ट भी करेंगे रेडी। डार्ट की स्टिच हो जाने के बाद बॉटम में लगाने के लिए पट्टी लेंगे। ये पट्टी मैंने 2 इंच ली थी, उसके एक साइड में मैंने स्टिच लगा के ले ली है। स्टिच लगाने के बाद ये 1.25 इंच की यानी 1.75 इंच की हो जाएगी। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करते समय मैंने पट्टी को 2 बार प्लीट्स लिए हैं, पट्टी को मैंने प्लीट्स लिए हैं छोटे छोटे ताकि ये फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। इसको सीधी साइड में करेंगे और सिलाई मार्जिन को पट्टी के ऊपर पुश करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लेंगे। इसको टॉप स्टिच भी बोलते हैं। अब पट्टी को मैंने फोल्ड किया और यहाँ पर मैं बड़ी वाली सिलाई लूँगी क्योंकि बाद में मैं इसको हाथ से सिलाई करूँगी तो ये मैं निकाल दूँगी स्टिच। बैक का पार्ट रेडी हो चुका, अब लेते हैं फ्रंट का पार्ट। फ्रंट के पार्ट में हमने जिस तरह से डार्ट का मार्किंग किया है वीडियो में दिखाया अनुसार, आप उसको बराबर से इस तरह से उठाएंगे सेंटर में पकड़ के और जहाँ पर हमने मार्किंग लाइन बनाए हैं उसके ऊपर से बराबर से हम सिलाई लेंगे। यहाँ पर रिवर्स स्टिच लेंगे और ये सेंटर डार्ट हमारा रेडी है। साइड के डार्ट को भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और बस 1/4 इंच यानी 1/2 इंच ही इसकी विड्थ रखेंगे एक साइड में और इसको स्टिच करेंगे। 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं लेंगे। ऊपर के तीनों डार्ट हमारे 1/4 इंच के ही है यानी 1/2 इंच इसकी विड्थ होगी। अब इस डार्ट को, इस साइड के डार्ट को हमें यहाँ से पकड़ना है जहाँ पर हमारी फिटिंग की लाइन होती है खींची हुई, वहाँ से पकड़ेंगे और आगे की तरफ पकड़ेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर आप ये अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बेल्ट ब्लाउज में। ये हमने स्टिच कर दिया। अब आर्म होल के साइड का डार्ट भी हमें अच्छे से इस तरह से पकड़ना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। जब डार्ट का यहाँ पर एंड होता है तो यहाँ पर रिवर्स स्टिच लीजिएगा। चारों डार्ट हमने ले लिए हैं। चारों डार्ट लेने के बाद यहाँ पर अच्छे से पप तैयार हो जाता है। अब जो हमने आर्म होल के साइड में नीचे की तरफ डार्ट लिया है उस और आते हैं। डार्ट लेने के बाद इस तरह से कपड़ा यहाँ पर ऊपर नीचे होता है तो इसको सीधे से कट कर देंगे, ट्रिम करेंगे। बस ये हो गया, सीधा कट हो चुका। अब यहाँ पर हम बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर बेल्ट को ले लिया है। ये जो बेल्ट की जो सीधी साइड होती है वो नीचे की तरफ और इस तरह से शेप वाली साइड ऊपर की तरफ रहेगी। बेल्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। मैंने सिंगल बेल्ट ही लिया है और यहाँ से हम सिलाई को शुरू करेंगे। तो 1/4 इंच यानी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ से हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। अटैच करते समय सेंटर डार्ट जो है नीचे की तरफ, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़िएगा और इस स्टिच लगाइएगा। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का बेल्ट है साइड में उसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया एक्स्ट्रा का। अब इस फ्रंट पैटर्न के ऊपर हमें बैक का पैटर्न रखना है तो ये फ्रंट का पैटर्न मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट है कि हमारा फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है या कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने बैक का पार्ट इसके ऊपर रख दिया है जो हमने तैयार करके रखा था।
आमहोल की साइड में बराबर से हम इसको मिला देंगे फ्रंट के पार्ट को। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो बस हमारा क्वार्टर इंच सिलाई मार्जिन ही एक्स्ट्रा आ रहा है फ्रंट में, जो कि हमें दूसरा बेल्ट ज्वाइंट करने के लिए ये यूज होगा। तो वहां पर आप मार्किंग कर दीजिएगा, आपका क्वार्टर इंच भी आ सकता है या फिर ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि बहुत बार कटिंग करते समय कम ज्यादा छूट जाता है हमारा। तो वहां पर बस आप मार्किंग कर दीजिएगा जहां पर आपका बैक का पार्ट आता है। दोनों साइड में आप इस तरह से मार्किंग करोगे, उसके ऊपर हम दूसरा बेल्ट यानी दूसरी योक पट्टी रखेंगे। अब जहां पर हमारा नीचे का मार्किंग आया है उतना ही मार्किंग ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, और उतना ही हमें दबाना है जहां पर जितना हमारा मार्किंग आया है। तो यहां पर हम सिलाई लगाएंगे जहां पर हमने मार्किंग किया था, उतना ही दबाना है जितना हमने मार्किंग किया है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी फ्रंट और बैक की जो लेंथ है वो कम ज्यादा नहीं होगी, एकदम एक समान होगी। सिलाई लगाने के बाद जो सिलाई है उसको नीचे की पट्टी की ओर मोड़ना है, और उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, यानी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये हो गया, इसको सीधी साइड में लेते हैं। एक्स्ट्रा की पट्टी हम बाद में कट करेंगे। सीधी साइड में लेने के बाद जो फ्रंट का पार्ट है उसको इस तरह से मोड़ना है ऊपर की पट्टी की ओर, बस यहीं तक मोड़ेंगे। और नीचे का जो बेल्ट का पार्ट है उसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे इस सिलाई के ऊपर। मैंने इसको ऊपर की तरफ लिया और बराबर से सिलाई के ऊपर रखना है। अब इसको इस साइड में लेंगे और यहाँ पर जो सिलाई दिख रही है उसके ऊपर से बराबर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय हमारा फ्रंट का पार्ट है अंदर की तरफ, तो वो सिलाई के बीच में थोड़ा भी नहीं आएगा। बस हमारे दो बेल्ट यहाँ पर अटैच होंगे। अब अंदर की तरफ का कपड़ा बाहर निकालेंगे। ऐसा करने से हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाती है और ये फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच होता है। अब यहाँ पर अगर बेल्ट आपका सिलाई के बीच में आ चुका है तो इसको इस तरह से कट लगा दीजिएगा और अलग कर दीजिएगा। अब ये फ्रंट का पार्ट रेडी है। जो साइड से हमारा एक्स्ट्रा की पट्टी थी उसको हम कट कर देंगे। साइड से कट करने के बाद यहाँ आते हैं तो इस ओर हमारा जो बेल्ट होता है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हो थोड़ा बाहर की ओर आता है, तो इसको हम इस तरह से ट्रिम करेंगे क्योंकि बाद में यहाँ पर फिटिंग का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसको इस तरह से ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने ट्रिम कर दिया, अब ये अच्छे से स्ट्रेट हो चुका। अब मैंने इसी तरह से दूसरा पैटर्न भी रेडी किया और हुक और आई की पट्टी भी लगा दी है। तो हुक और आई की पट्टी लगाने का तरीका हमारा हो चुका है पहले के कई बार वीडियो में, तो बस इसको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा हुक और आई की पट्टी को, और नेक की ओर इस तरह से सही से मार्किंग कीजिएगा क्योंकि कई बार पट्टियाँ ऊपर नीचे हो जाती है। और जो पट्टी एक्स्ट्रा की है इसको इस तरह से ट्रिम कर दीजिएगा। अब ये बराबर से सही हो चुकी है। अब शोल्डर अटैच करते हैं, तो इसके लिए मैंने बैक के पैटर्न के ऊपर फ्रंट के दोनों पैटर्न रख देने हैं। सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर देते हैं। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इससे हमारा फ्रंट के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक आएगा। सबसे पहले हम बैक की ओर देखेंगे, तो वेस्ट की ओर हमें सही से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारे वेस्ट का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो ये बराबर से 11 इंच है। अब फ्रंट की ओर चेक करेंगे वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर ये किस तरह से रखना है, जो एक्स्ट्रा की हमारी आई की पट्टी होती है वो आगे की तरफ रहेगी और हम हुक की पट्टी से होके मेजर करेंगे। तो यहाँ पर भी ये हमें 11 इंच पर मार्किंग करना है क्योंकि वेस्ट का चौथा हिस्सा यानी वेस्ट का 1/4 9 इंच प्लस उसमें 2 इंच ऐड करके होता है 11 इंच। तो 11 इंच पर बराबर से मार्किंग करके ऊपर की तरफ इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है तो उसको हमें कट कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्लाउज के फिटिंग में। फिर से एक बार देखिएगा, हमने हुक की पट्टी से चेक किया तो ये बराबर से 11 इंच पर मार्किंग करके ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ पर तिरछी लाइन बनाकर हमने कट कर दिया। फिटिंग करने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
अब देखो चारों पैटर्न यानी बैक का पैटर्न और फ्रंट का पैटर्न दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद ये पूरे अच्छी तरह से मर्ज होने चाहिए। तो मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख दिया है। साइड से आप मिलाकर देखिएगा, लेंथ भी बराबर आ चुकी है। यहाँ पर हुक और आइप की पट्टी एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए और साइड से ये बराबर से लेंथ में भी और विड्थ में भी एकदम मर्ज होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से ये अब ये फिटिंग करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम नेक को बाय स्ट्रिप की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। इसका भी वीडियो हमारा अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस तरह से नेक का फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद में स्लीव को अटैच कर दूंगी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज की तरह होगा, इसमें दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव अटैच कर दिए है और नेक का भी फिनिशिंग कर दिया है। ये सब होने के बाद हमें फिटिंग का मार्किंग करने के लिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फ्रंट और बैक रख देने हैं। जो चीज़ें ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। तो एक दूसरे के ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद आपको साइड से ये बराबर से मिला कर लेना है, अच्छे से रख देना है। देखिए ये पट्टी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के ऊपर आना अच्छे से। और साइड से आप देखिएगा ये बराबर से फ्रंट और बैक एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसकी फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो देखिए हम इस साइड से यहाँ से मार्किंग करेंगे। ये मैंने कहाँ से पकड़ा है प्लीज़ आप देखिएगा। और फिटिंग का मार्किंग हमने 11.5 इंच यानी 10.75 इंच पर किया था चेस्ट की ओर का मार्किंग। हमारी जो चेस्ट थी वो 42 इंच थी, उसका चौथा हिस्सा आता था 10.5 इंच यानी 10.5 इंच प्लस उसमें हमने 1/4 इंच लूजिंग ऐड किया था। तो पूरा हमारा चेस्ट का मार्किंग आता था 10.75 इंच यानी 11.5 इंच पर। तो हमने यहाँ पर मार्किंग किया। सेम इस तरह से भी करेंगे। पट्टी के ऊपर मैंने रखा है, जिस पट्टी की ओर मैंने रखा है वो हमारी हुक की पट्टी है और उसके ओर से मैंने मार्किंग किया 10.75 इंच यानी 11.5 इंच पर। दोनों साइड पे अच्छे से मार्किंग करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब वेस्ट की ओर भी मार्किंग करेंगे। तो अच्छे से वेस्ट की ओर इसको अच्छे से ऐसे स्ट्रेच करके लेना है। अब यहाँ से मैंने पकड़ा है फिटिंग के मार्किंग के लिए। यहाँ पर हमारे वेस्ट का 1/4 आता है 9 इंच पर, तो बराबर से 9 इंच पर मार्किंग आना चाहिए। 9 इंच पर मार्किंग किया वेस्ट के 1/4। इस साइड में भी हमें वेस्ट का 1/4 9 इंच आता है क्योंकि वेस्ट हमारी 36 इंच थी, वहाँ पर हमने मार्किंग किया। अब ये दोनों पॉइंट हमें मिलाने हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिटिंग का मार्किंग होगा इस साइड में भी। अब करते हैं स्लीव का फिटिंग का मार्किंग। तो स्लीव राउंड मेरा था 7 इंच, आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है, 7.5 इंच भी आपका हो सकता है या 7.25 इंच भी हो सकता है। जितना भी हो स्लीव को बस इस तरह से अच्छे से मिला दीजिएगा आगे की तरफ से। यहाँ पर टेप को रखना है और 7 इंच पर मैंने मार्किंग किया क्योंकि स्लीव राउंड का फिटिंग का मार्किंग मेरा 7 इंच था। और नीचे की लाइन को मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस इस साइड में भी होगी। यहां पर भी हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये पॉइंट नीचे की तरफ मिला देंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का मार्किंग। अब बस इसके ऊपर से मैं स्टिच लगा दूंगी फिटिंग की दोनों साइड में। अब मैं ये स्टिच लगा के ले ली हूँ। स्टिच लगाने के बाद आप साइड से भी 2-3 स्टिच ले सकते हो फिटिंग के लिए। अब इसको मैं सीधी साइड में कर देती हूँ। पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है और ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आया है। फिटिंग में भी ये बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। चाहे आपका मेजरमेंट कोई भी हो, मेथड आप सेम रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिटिंग की जो हमारी स्टिच आएगी वो इस साइड में सीधी साइड में इस तरह से स्ट्रट दिखनी चाहिए, तभी जाके आपका ये ब्लाउज अच्छे से बैठेगा। और ये ब्लाउज हमारा रेडी है। तो आई होप ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।